हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि मेरे जो शॉर्ट बॉडी हॉर्न है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश करूंगा अपना शॉर्ट बॉडी हॉर्न का कंप्लीट जर्नी दिखा पाऊं कि मैं उसको कितना बड़ा लेके आया था और वो अब कितनी बड़ी हो गई है। उसके साथ ही साथ मैं इस फिश का कैसे टेक केयर वगैरह करता हूँ वो सारे चीज के बारे में भी डिस्कस करूंगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा एक स्टार्टिंग का क्लिप जिसमें आप देख रहे हैं मेरा शॉर्ट बॉडी हॉर्न्स कितना ही ज्यादा छोटा है। इसको मैं 2 खरीद के लेके आया था और ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 इंच का होगा। और उस टाइम पे मेरे पास पहले से इस कैट फिश था, 2 पोलर ब्लू पैरेट था और 2 शेवरन फिशेस था। तो चलिए अब देखते हैं 1 मंथ के बाद इस फिश का क्या ग्रोथ हुआ। सो फ्रेंड्स, अभी 1 मंथ हो चुका है और आप लोग अभी जैसे देख सकते हैं मेरा शॉर्ट बॉडी हॉर्न्स लुक जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ये लोग का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रहा है अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे फिशेस के साथ। तो जैसे कि मेरा पोलर ब्लू पैरेट हो गया या फिर शेवरम फिशेस ही क्यों ना हो गया, उसके कंपेयर में मेरा शॉर्ट बॉडीज का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का शॉर्ट बॉडी देख रहे हैं ये इस टैंक का अल्फा है। यही शॉर्ट बॉडी हॉर्न इस टैंक को कम्प्लीटली रूल करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 1 मंथ के बाद में इस फिश का क्या ग्रोथ होता है। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं इसका जो शेप है कम्प्लीटली राउंड शेप का हो गया है और ये अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। ये आप लोग जैसे देख रहे हैं पहले से बहुत ज्यादा मस्कुलर लग रहा है और इसका एक्सटेंशन भी पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसी मैंने जो दूसरी शॉर्ट बॉडी है अभी आप जैसे देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ी हो गई है लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा कम ही बड़ी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं इसका कुछ रीसेंट का वीडियोस। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा कुछ रीसेंट का मेरा शॉर्ट बॉडी हॉर्न्स का वीडियोस और उसको 2 इंच से इस साइज का रीच करने में मैक्सिमम 4 मंथ्स लगा है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये 4 मंथ के बाद का है। इस टाइम पे आप जैसे देख सकते हैं मेरा शॉर्ट बॉडीज लोग बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो गया। मेरा इस टैंक में वही सभी फिश है जो कि आप उस टाइम पे देखे थे। मेरे उस टाइम पे 2 पोलर ब्लू पैरेट था जो अभी भी है। उसके साथ ही साथ मेरे पास एक स्कैट फिश था। स्कैट फिश का भी आप ग्रोथ जैसे देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। 2 शेवरम्स था वो भी ठीक ठाक ही ग्रो किया है। और अभी रिसेंटली मैं इसमें 2 हार्ट शेप पैरेट फिश ऐड किया। इस टैंक को सेटअप करना और इसमें सारी फिशेस को एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये जो शॉर्ट बॉडी देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव फिश है। ये किसी को भी नहीं छोड़ती। इस टैंक में सबको बहुत ही ज्यादा मारते रहती है, बहुत ज्यादा परेशान करते रहती है। इसलिए आप जैसे देख रहे हैं इस टैंक में मुझे बहुत सारा स्टोन्स वगैरह रखना पड़ा। वैसे भी नॉर्मल होता है जो भी सिकलेट फैमिली की फिशेज होती है वो सारे फिशेज के लिए आपको ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस वगैरह देना ही पड़ता है। लेकिन ये जो मेरी शॉर्ट बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगा सारी फिशेज के साथ एडजस्ट होने में। स्टार्टिंग के टाइम पे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही थी दूसरे फिशेज के ऊपर, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसका अग्रेशन जो है वो दूसरे फिशेज के साथ कम हुआ और अब आप लोग जैसे देख रहे हैं वो दूसरे फिशेज के साथ काफी अच्छे से रह रही है। मैं अपने इस टैंक में 2 बार फीड करता हूँ, एक सुबह के टाइम पे और एक रात के टाइम पे। वीक में मैक्सिमम 1 या 2 बार चिकन हार्ट फीड करता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है फिशेस के लिए, फिशेस के ग्रोथ के लिए, फिशेस के कलर को एनहेंस करने के लिए चिकन हार्ट बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके साथ ही साथ मैं कभी कभी ड्राई ट्यूब इफेक्ट वॉर्म्स वगैरह दे देता हूँ, कभी कभी श्रिम्स वगैरह भी दे देता हूँ। बट नॉर्मली इसके डाइट में जो सबसे ज्यादा रहता है वो ये है क्योंकि सारा चीज तो इम्पोर्टेंट है ही, ड्यूबिफेक्स वॉर्म्स चिकन हार्ट वगैरह, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी फिशेस को पैलेट्स का आदत होना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप हर टाइम अपने फिशेस को वो सारा चीज तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसलिए पैलेट्स का आदत होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो का बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इस शॉर्ट बॉडी हॉर्न का ब्रीडिंग को लेके या फिर किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द बनाने के लिए।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग मिलेंगे जल्द ही मेरे न्यू वीडियो में।